कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के लिए लोगों में क्रेज बढ़ रहा है। सिनेमाघरों में लोगों को भीड़ लग रही है और इसी क्रम में रुड़की स्थित एक सिनेमा हॉल में साध्वी प्राची द कश्मीर फाइल फिल्म देखने पहुंची और वही फिल्म देखने के बाद आपको बता दें कि साध्वी प्राची ने कहा कि फिल्म में कश्मीर की सच्चाई को देखने के बाद काफी दर्द महसूस हो रहा है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री से द कश्मीर फाइल्स फिल्म को जल्द ही टैक्स फ्री करने की मांग कर दी है। रुड़की में आरआर सिनेमा के अंदर कश्मीर के हिंदुओं की जो रियलिटी दिखाई है उसको देखने आए। रियलिटी को देख करके वास्तव में हमें तो देख करके बेहद दर्द हो रहा है। जिन लोगों ने उन विषम परिस्थितियों को भोगा है, उस दर्दनाक हादसे को सहन किया है, उन लोगों की हिम्मत समझती हूँ। वास्तव में आज मेरी भी हिम्मत टूट गई इसको देख। हाँ, मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से प्रार्थना करूँगी कि इस कश्मीर पिक्चर का टैक्स फ्री किया जाए और युवाओं को जरूर दिखाया जाए, कॉलेज में बच्चों को जरूर दिखाया जाए। हर हिंदुस्तानी को कश्मीर के ऊपर जो पिक्चर बनी वो देखनी चाहिए। ये जो कश्मीर के अंदर घटनाएं घटी है, कश्मीर के हिंदुओं को जो टॉर्चर किया गया, नरसंहार हुआ है, जो एक तरह से नरसंहार किया गया, वो हर भारतीय को देखना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए। घोषणा की गई है रातों रात हिंदुओं को घर खाली कर देना चाहिए, तुरंत पंडितों को, कश्मीरी पंडितों को, उनकी बहन। सबसे बड़ा जो हादसा मेरे दिल पर बैठा, एक कश्मीरी जो बहन थी उसके पति को मारा गया और उसको वो छुपाया उसे पहले, लेकिन उसको मारा गया और उसको मारने के बाद उसके चावल जो उसके मुंह पर फेंके, जो उसे ज़बरदस्ती खिलाए, वो दर्दनाक पीड़ा थी, मैं उसको सहने। कांग्रेस ही थी जो कश्मीरी पंडितों को भगाने में जिन्होंने योगदान दिया। यही तो दुख है कि लाखों कश्मीरी पंडितों के साथ इतना बड़ा नरसंहार हुआ और देश के अंदर सरकारें चुपचाप आंखें मूंद कर बैठी रही। वो जेहादी मानसिकता के लोग हैं और मैं कहूँगी कि उन लोगों को अपनी मानसिकता बदल देनी चाहिए। जिन्होंने ये फिल्म बनाई है उन्होंने कश्मीर जो पंडित हैं उनकी रियलिटी दिखाई है और उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने सच को दिखाया है। यही तो मैं कह रही हूँ कि कितनी बड़ी हिम्मत उन्होंने की है कि कश्मीर के जो पंडितों के साथ इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उनको किसी कहने की हिम्मत नहीं थी। बनाना तो ये पिक्चर बनाना तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं चाहूँगी कि इस पर पिक्चर पर टैक्स फ्री हो और कॉलेजों में भी फ्री दिखाई जाए बच्चों को, ताकि उन्हें पता चले कि हिंदुस्तान के अंदर अब से पहले क्या क्या होता है।